दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड एंड के यूट्यूब चैनल में खुश आमदी हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा ई ओ एफ का फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर और उसके साथ ओपन और क्लोज़ को हम देखेंगे इसके साथ साथ हमने जो पिछला एक क्विज़ आपको एक छोटा सा मैंने क्विज़ दिया था करने के लिए उस क्विज़ को भी हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंटर करता हूँ और और अब इसमें मैं अपनी स्टार्टर लगा लेता हूँ और मैं स्टार्टर लगाता हूँ इसके अंदर और इसके पहले हाँ कि हम अपनी इस वीडियो को आगे ले कर चले हम अपने पिछली वीडियो को देखते हैं जिसमें हमने एक क्विज़ दिया था और उस क्विज़ को सॉल्व करते हैं तो मैं अपनी क्लास नंबर सिक्सटी वन में जाता हूँ और इसमें हमने एक ऑफ स्ट्रीम के अंदर हमने एक जुमला लिखा था फकर्रा लिखा था जो कि हमारी फाइल में जा सेव हो गया था लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम इधर आ रही थी कि वो जो फाइल थी जब हम इफ स्ट्रीम के थ्रू उस फाइल से डाटा रीड करते थे उसमें तो हमारे पास पहला वर्ड आता था हेलो का जैसे ही स्पेस आती थी तो स्पेस के आगे वाला हमारे पास कंटेंट नहीं आता था तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए सिंपल है कि आप एक करेक्टर्स की अरे क्रिएट कर लें अगर आपको करैक्टर्स की अरे मुश्किल लगती है तो एक और सोल्यूशन भी है हमारे पास और वो सोलूशन ये है कि आप गेट लाइन के फंक्शन को यूज़ करें मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और नेक्स्ट लाइन में जाते हैं आपने गेट लाइन का फंक्शन लिखना है और उस गेट लाइन के फंक्शन के अंदर आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जैसे कि हमारे ऑब्जेक्ट का नाम माए है ये हमारा ऑब्जेक्ट है ये ये तो आपने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है मैंने लिखा माए और कोमा डाल के आपने अपने स्ट्रिंग का नाम लिखना है जो कि हमारी डी है तो मैं यहाँ पे डी लिख के सेमी कोलोन लगा लेता हूँ तो हमारी में प्रॉब्लम क्या आ रही है आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ एरर देख लेते हैं हमारा किस वजह से आ रहा है तो देखिए हमारा जो पूरा अब लिखा हुआ आ गया आपने एक छोटा सा फंक्शन लिखना है गेट लाइन का और जो ये गेट लाइन के नीचे अंडरलाइन आ रही है हमने जैसी स्ट्रिंग को ऐड किया तो ये हमारी अंडरलाइन भी रिमूव हो जाती है तो ये कॉड रन का एरर है जो देखें ये हमारी ये भी रिमूव हो गई है तो इस तरह हम इसके गेट लाइन के फंक्शन के थ्रू हम पूरी लाइन को ले सकते हैं तो ये हमारा जो क्विज था उसका छोटा सा आंसर था जो कि हमने लिख लिया तो अब हमारी पिछली वीडियो का क्विज के प्रॉब्लम सोल्व हो गई अगर किसी भाई ने अभी तक इसको नहीं चेक किया कि वो देख रहे कि पिछली वीडियो में क्या करवाया था तो मैंने नीचे लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है आप इस उधर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और ये पर्पस जो प्ले लिस्ट बनाने का ये आप लोगों के लिए ही पर्पज है कि मैंने प्ले लिस्ट बनाई है ताकि आप लोगों को आसानी हो पूरे कोर्स को एक्सेस करने में तो अब हम चलते हैं अपने आज की क्लास में और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे आज की क्लास में हम सिंपल इसी को लेके चलते हैं कि लाइक अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं अपने क्लास 61 को और 62 पे लाके तो यहाँ पे हमने क्या किया हमने आयो स्ट्रीम यूज़ किया सी आउट के लिए जो हमने यहाँ पे सी आउट लिखा इसके लिए हमने आयो स्ट्रीम का हेड फाइल लिखी उसके बाद हमने एफ़ स्ट्रीम को यूज़ किया एफ़ स्ट्रीम को क्यों यूज़ किया अपनी फाइल के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए ऑफ स्ट्रीम और इफ़ स्ट्रीम इफ के लिए हमने अपने एफ़ स्ट्रीम को यूज़ किया और स्ट्रिंग को हमने क्यों यूज़ किया गेट लाइन के फंक्शन के लिए और अपने स्ट्रिंग डी के लिए तो ये हमारी हेडर फाइल्स आ गई उसके बाद हमने नेम्स std एस यूज़ किया फिर हमने यहाँ से ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन लिखा यहाँ तक जिसके अंदर हमने अपने कॉन्टेंट को लिखा जिसके अंदर हमने अपने फाइल के अंदर कॉन्टेंट लिखने के लिए इसको यूटिलाइज़ किया उसके बाद यहाँ से इफ़ स्ट्रीम से हमने अपनी फाइल से डाटा रीड करने के लिए यूटिलाइज़ किया तो ये हमारी एक आ गया और सबसे पहले हमने क्लास सिक्सटी में और 60b बी में हमने चेक किया था कैसे हम फाइल के अंदर डाटा लिखते हैं और फाइल से डाटा रीड करते हैं सिमिलरली सिक्सटी वन में हमने देखा था सेम प्रोग्राम के अंदर फाइल को कैसे रीड एंड राइट करते हैं तो अब क्लास सिक्सटी टू में हम इसके आगे कुछ एडवांस फीचर्स को देखेंगे जस्ट लाइक like के माई फाइल इज ओपन हमने यूज किया वो हमने किस लिए यूज किया हमने कहा जब भी हमने फाइल को एक्सेस करना है ना तो हमने फाइल को ओपन करना है फाइल को ओपन करना है तो इसके दो पर्पज है एक आपकी फाइल ओपन हो जाती है दूसरा आपकी फाइल क्रिएट होती है क्योंकि अगर आपने फाइल क्रिएट पहले नहीं हुई तो इसके थ्रू फाइल क्रिएट हो जाएगी तो फाइल को ओपन किया उसके अंदर आपने अपना प्रोग्राम लिखा सारा अगर आप इफ नहीं भी लगाते आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माए फाइल और यहाँ पे आप लिखते हैं माए फाइल आपने ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है डॉट ओपन का आपने यूज करना है और उसके अंदर आप इसको लिख देंगे के जो हमने यहां पे लिखे है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको ऐसे कुछ तो ये हमारा कोई मसला नहीं क्रिएट करेगा इसके बस एंड में हमने सेमिकोन लगा लेना तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इफ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं जो हम इफ़ लगा रहे थे इफ़ तो हम इसलिए लगा रहे थे कि अगर हमारी फाइल ओपन नहीं होती तब क्या फंक्शन रन हो तब हमारा ये वाला फंक्शन रन हो जाए तो इफ़ लगाने का पर्पस ये था तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं तो आपका बिल्कुल सही प्रोग्राम चलेगा जैसे मैं इसको सेव करता हूँ सेव करके मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें मेरा प्रोग्राम बिल्कुल नोट स... टू मैच यहाँ पे हमारा क्या एरर आ रहा है तो मुझे लगता है मैंने नीचे से जो हमारा प्रोग्राम है उसको कॉपी नहीं किया तो मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमारा ये है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करना थे नहीं किया तो इसको अब सेव करके रन करता हूँ तो अब हमारा प्रोग्राम रन करेगा तो देखें हमारा पूरा प्रोग्राम आ गया हेलो आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस फ्रॉम लर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल तो अब देखिए हमारा ये रन हो गया है तो इसके साथ साथ हम क्या देख रहे थे अब माई फ़ाइल डॉट क्लोज का क्या फीचर होता है माय फ़ाइल हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया अब फाइल ओपन होगी फाइल ओपन होने के बाद उसके अंदर हमने जो लिखना था लिख लिया जो काम हमने फाइल के अंदर स्टोर करवाना था जो चीज़ वो हमने लिख ली उसके बाद हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे ठीक है फिर हम यहाँ पे दोबारा फाइल को ओपन करेंगे जब हम इफ स्ट्रीम में लिखेंगे और हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज रखेंगे और फिर गेट लाइन का हम फंक्शन लगा के अपने प्रोग्राम को रन करेंगे अब यहाँ तक तो ठीक हो गया हमने ओपन देख लिया डोट ओपन डोट क्लोज अभी हम देखेंगे डॉट ई ओ एफ जो उसका क्या काम है अब फर्स्ट करें यहाँ तक तो ठीक हो गया लेकिन क्या होगा कि अगर यहाँ पे मेरे पास एक लाइन की जाए तीन चार लाइन्स हैं अच्छी खासी लाइन्स के अंदर डाटा स्टोर हुआ हुआ है मैं यहाँ पे कुछ इस तरह हमारे पास डाटा चार पांच लाइंस में स्टोर हुआ हुआ है तो अब मैं इसको सेव करता हूँ सेव करके मैं इसे रन करता हूँ तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक लाइन आएगी क्यों एक लाइन आ रही है क्योंकि हमने गेट लाइन किया है गेट लाइन का मतलब है उसने एक लाइन को गेट करना है तो अब हमारे पास मसला आ रहा है कि अब बाकी लाइन्स हम किस तरह लेके आएंगे चलिए हम एक और काम करते हैं हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करते हैं और इसका कमेंट रिमूव करते हैं हम वापस ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम डी के साथ एक और स्ट्रिंग में आ लेते हैं लाइक like टी और लाइक like वाई अब हमने तीन स्ट्रिंग्स क्रिएट कर ली और उन तीन स्ट्रिंग्स पे हम क्या करते हैं यहाँ पे ना फाइल से तीन स्ट्रिंग्स में डेटा वापस लेते हैं टी पे हमने ले लिया और सिमिलरली हम वाई में ले लेते हैं चलो अब तो हमारे प्रोग्राम में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा हम रन करके देख लेते हैं इसको सेव करते हैं तो इसने सिर्फ हेलो लिया और हेलो के अलावा कुछ भी नहीं लिया तो अब हमारे पास ऐसे यहाँ अब क्या हमारे पास सोल्यूशन है कि हम ये सारे डेटा को अपनी तीन चार लाइन्स को अपनी उससे रिट्राइव करवाएँ इस सारे डेटा को हम अपनी फाइल से लें और लेके उसको जो यूज़ कर सकें या आगे पास कर सकें तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम इस चीज़ को कमेंट आउट करते हैं अभी और इस चीज़ को ऑन करता हूँ मैं तो कमेंट रिकमेंट करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बल्कि जो हमारे पास पहले आ रहा था ना कि अगर मैं इसको कंट्रोल दी करूँ उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अभी कन्फ्यूज़ ना हो जाए सारे कि इसमें खाली हेलो क्यों आ रहा है अगर हेलो आ रहा है तो बताने का मकसद हेलो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको मैंने इससे आगे प्रिंट ही नहीं किया अगर मैं इससे आगे इसको प्रिंट कर दूँ तो आप देखेंगे कि न, मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी तो आप देखेंगे कि मेरे तीन सिर्फ तीन लफ्स प्रिंट होंगे हेलो आई एम सिर्फ ये प्रिंट होंगे और साथ साथ होंगे अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए ताकि तो देखो हेलो आई एम साथ साथ प्रिंट हो रहे हैं तो इसका भी कोई खास हमारे पास एडवांटेज नहीं रहा तो इसको क्योंकि अगर हमने ये कितने वर्ड्स हैं अब बारी बारी हम हर वर्ड का अलग स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए तो अब हम वापस आते हैं अब हम क्या करेंगे हम एक वाइल की लूप लगा लेंगे इसमें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल वाइल की लूप लगाऊंगा और उसके बाद मैं इसके अंदर कंडीशन लगाऊंगा कंडीशन क्या मैं लगाऊंगा कंडीशन में ये लगाऊंगा मैं लिखूंगा अपने ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिखूंगा वाइल माई डोट ई एफ और इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो और ये सही हो गया अब वाइल माई डोट एफ का क्या मतलब है ई एफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल ई ऑफ का क्या मतलब है ई ओ एफ का मतलब है एंड ऑफ फाइल अब ये हमारी कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी एंड ऑफ फाइल इज इक्वल टू इज इक्वल टू जीरो नहीं आ जाती हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ये रन होती रहेगी तो जब ये हमारा सारा प्रोग्राम रन करके इस जगह में आ जाएगा तब हमारा ये फॉल्स होगा और इसको मैं कमेंट ऑन तो कर दूंगा तो हमने एक कंडीशन लगाई उस कंडीशन के अंदर हमने गेट लाइन ऑब्जेक्ट और हमने स्ट्रिंग दे दी अब ये बारी बारी हर इसको प्रिंट करती जाएगी हर जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करती जाएगी मैं इसको सेव करता हूँ सेव करके रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम चला के नहीं चला तो इधर क्या हुआ हाँ मैंने सबसे पहले फाइल में जाके देखते हैं फाइल के अंदर हमारा सेव हो रहा है सारा कुछ उसके बाद हम क्या करते हैं अब हमारे पास यहाँ पे फॉल्ट क्या आ रहा है हमारे पास फॉल्ट ये आ रहा है कि हमारी जब हमने इसके इर्द करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई तो हमारी वाइल सिर्फ इतनी चलती है एक लाइन तक चल रही है अब हमें इसको भी वाइल के अंदर लेके आना है तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और उस करली ब्रैकेट को यहाँ तक लेके आऊँगा सेव करूँगा सेव करके इसको रन करूँगा तो देखिए हेलो आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस फ्रॉम एल ई एलो आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस लर्न यूट्यूब चैनल हेलो अब ये सारा हमारा होने लग गया लेकिन एक लाइन में आ रहा है तो अब हम इसको फॉर्मेट भी करेंगे तो देखिए अब हमारा ये सारा प्रोग्राम रन होने लग गया तो अब हम इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या करते हैं इसमें थोड़ी सी जैसे हम कुछ करते हैं लाइक मैं इसके अगर एंड पे एंडल लगा के चेक करूं क्या फर्क पड़ेगा तो हम देखते हैं ये हमारा एंडल लगाने से काम करता है कि नहीं करता तो तो देखिए अब हमारा काम करने लग गया सिर्फ एंडल लगाना था आपने हिस्ट्री का पे तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है तो उससे आपका प्रोग्राम फॉर्मेट हो जाता है और सही चलने लग जाता है तो अभी आपको ईओ की और छोटे छोटे फंक्शंस की समझ आ गई होगी इसके बाद हम इसकी और भी फंक्शन हैं अपेंड मोड है उन सारे मोड्स को देखेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़